लगता है कि और मानव इतिहास की तरफ हम थोड़ी अपनी दृष्टि ले जाएं, तो शायद ही कभी ऐसा वक्त आया होगा इंसान और जंगल एक दूसरे से अलग देखे गए होंगे। प्रकृति ही परिवार है, ऐसी धारणा और ऐसे संस्कार हमारे पूर्वजों ने हमें दिए थे। इसलिए वन दिवस या फॉरेस्ट डे को मैं किसी सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बल्कि समाज के एक पवित्र त्योहार के रूप में देखता हूं। पेड़ पौधे जंगल दरअसल इंसान के लिए रक्षा कवच के समान है और हमें जीवन पर्यंत इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप गौर करेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को लेकर पिछले 2-3 वर्षों में अनेक ऐसे कदम उठाए गए जिसमें हमें न सिर्फ जन सामान्य का सहयोग मिला है बल्कि लोगों में जागरूकता भी आई। जून 2021 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वन बीट गार्ड वन विलेज प्रोग्राम शुरू किया था और जन सामान्य के हौसले के चलते जम्मू कश्मीर ने जो लक्ष्य प्राप्त किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है। हमें उम्मीद थी कि पहले साल में हम 1000 विलेज कवर कर सकेंगे लेकिन टारगेट से ज्यादा 1041 विलेज पहले साल में ही कवर किए गए। 2022-23 के लिए टारगेट बढ़ाया गया, 1500 गांव कर दिए गए लेकिन जो मुझे बताया गया है कि 28 फरवरी तक इस योजना के अंतर्गत 3177 गांवों को कवर कर लिया गया। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।